नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फूड प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों अगर आप पिछली पार्ट को नहीं देखें जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के इस लास्ट चैप्टर से, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फूड प्रोसेसर को। फूड प्रोसेसर एक रसोई उपकरण होता है, ठीक है, जिसका उपयोग भोजन की तैयारी के में दोहराए जाने वाले कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें इसका उपयोग किया कब किया जाता है दोस्तों? जो भोजन की तैयारी में दोहराए जाने वाले कार्य, ठीक है, को और आसान या सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। आज यह शब्द हमेशा लगभग एक इलेक्ट्रिक मोटर चलित उपकरण को संदर्भित करता है। हालांकि कुछ मैनुअल उपकरण भी फूड प्रोसेसर के रूप में संदर्भित होते हैं। ये क्या करता है? ये भोज्य पदार्थों को काटने व मिश्रित करने संबंधी विभिन्न कार्य करता है। फूड प्रोसेसर काटने का कार्य करता है या उसे मिलाने का कार्य करता है, ठीक है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कार्य को करता है। यह सामान्यतः रसोई घर में प्रयुक्त होने वाला उपकरण होता है। जो कि भोजन को तैयार करने हेतु विभिन्न कार्यों को कर सकता है। कैसा कार्य? जैसे काटने का कार्य या फिर मिश्रित करने का कार्य, सब कार्य को कर सकता है फूड प्रोसेसर। अब ये कार्य कैसे करता है ये हम देखेंगे दोस्तों एक बेसिक फूड प्रोसेसर में संलग्नक यानी अटैचमेंट्स बाउल के अंदर सॉफ्ट पर फिट होते हैं, एक बेसिक फूड प्रोसेसर में संलग्नक बाउल के अंदर एक सॉफ्ट फिट होते हैं। एक फूड प्रोसेसर के लिए स्टैंडर्ड संलग्नक एक एस आकार का ब्लेड होता है। ब्लेड होता है जिसे सेबेटियर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस ब्लेड को सेबेटियर ब्लेड के भी नाम से जाना जाता है। सेबेटियर ब्लेड बाउल की तली में फिट होती है, ठीक है, सेबेटियर ब्लेड जो है वो बाउल की तली में फिट होती है। इसमें दो छोटे घुमावदार ब्लेड होते हैं। जो सेंट्रल प्लास्टिक पिलर के विपरीत व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, जो बाउल के अंदर सॉफ्ट पर फिट रहते हैं, ठीक है, ये जो ब्लेड होती है बाउल के अंदर के यहाँ सॉफ्ट पर फिट रहती है। सेबेटियर ब्लेड मुख्यतः धातु के बने होते हैं। ये धातु के बने होते हैं, परंतु कभी कभी कठोर प्लास्टिक के भी बने होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों वैक्यूम क्लीनर अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।